अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। और आज हमारे किचन में बन रहे हैं जी डोनट्स, बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही यमी से ये रेडी हुए हैं। तो चलिए इनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। डोनट की डो रेडी करने के लिए सबसे पहले यीस्ट का मिक्सचर हमने रेडी किया, जिसके लिए नीम गर्म पानी, उसमें वन टेबल स्पून शुगर और वन टेबल स्पून हमने यीस्ट डाली और उसको अच्छे से मिक्स करके उसको 10 to 15 minutes के लिए रेस्ट दे दिया उसको राइज़ होने के लिए। और आफ्टर 10 to 15 minutes ये काफ़ी अच्छे से राइज़ हो चुका था, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। से बर्तन लेंगे और उसमें ये नीम गरम दूध है तकरीबन 50 ml, और इसमें 1 cup शुगर ऐड करके इसको अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर लेंगे, शुगर डिज़ोल्व हो जानी चाहिए। और इसमें हम अपना प्लेन फ्लोर एडिट करेंगे, मैदा, ये मैदा तकरीबन 2 cup मैदा है। 50 ग्राम बटर ऐड करेंगे जो कि रूम टेम्परेचर पर है, 1/2 teaspoon सॉल्ट ऐड करेंगे और एक एग ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। और अपना यीस्ट वाला मिक्सचर भी ऐड करके इसको से बहुत अच्छे से गूंद लेंगे, इस डो को गूंद के रेडी कर लेंगे और इसको फिर हम 2 to 3 hours के लिए रेस्ट दे देंगे, जब तक कि ये अच्छी तरह से राइज ना हो जाए। इसमें हमें 2 hours भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, ये आपके टोटल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये तकरीबन मैंने 3 hours इसको रेस्ट दिया है और इसके डो जो है वो अच्छे से डबल हो चुकी है। काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके डो को वहाँ निकाल लेंगे और अपनी डो को हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। और इतना बेलना है कि हम इसको बहुत पतला नहीं करना, जैसा कि आपको नज़र आ रही है इसकी मोटाई हमें इतनी ही रखनी है, बहुत पतला नहीं करना। मैं कटर की मदद से डोनट काटूँगी, अगर आपके पास कटर नहीं है या किसी भी चीज़ का ढक्कन है तो आप उसकी मदद से बहुत इजीली इस तरह अपने डोनट कट कर सकते हैं। डोनट के होल बनाने के लिए कोई छोटे साइज का ढक्कन लेकर उसकी मदद से आप दरमियान में से होल बना लें। तमाम डोनट्स को तकरीबन 30 minutes के लिए रेस्ट देंगे कि ये थोड़ा सा राइज हो जाए, और आफ्टर 30 minutes हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल हमने इतना लेना है कि हमारे जो डोनट हैं वो इजीली डीप फ्राई हो जाए। हमारी जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए और जो फ्लेम है वो भी लो होनी चाहिए। अगर हमने हॉट ऑयल में और बहुत हाई किस्म की फ्लेम पर इनको डाला तो ये एकदम से ब्लैक हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। लो फ्लेम पर हम इनको अच्छे से इनका कलर आने तक पकाएंगे और आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त गोल से ये फूल चुके हैं और तकरीबन ये रेडी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। स्टफिंग के लिए डार्क चॉकलेट 50 ग्राम मैंने लेकर माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए मेल्ट कर लिया। अब इसमें जो है वो हम अपने डोनट की जो टॉप है उसको सिर्फ डिप करेंगे इस तरीके से, और फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे कि ये इस पर खुश्क हो जाए। उसके बाद मैंने वाइट चॉकलेट ली है, चॉकलेट को मेल्ट करके इस तरह पाइपिंग बैग में मैंने डाला और इस तरह इसकी डिज़ाइनिंग की। और डिज़ाइनिंग टोटली आप पर डिपेंड करती है, जिस तरह आप चाहें और जिस चीज़ से भी आप चाहें। और साथ ही थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लेकर मैंने इसको क्रश किया और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। तो हमारे डोनट्स हैं रेडी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।